देखो महंगाई कम होगी ऐसा मत समझो, महंगाई तो कम करना ही है, ये मत समझो। कांग्रेस की सरकार जो है शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन आज कर रही है, ये कमजोर सरकार ने 7 साल राज की है इसने, जो जानती है देश को कैसा चलाना है। ये मोदी सरकार ने 7 साल में पूरा बेच दिया है, सब रेलवे बेचा, पेट्रोल अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। मोदी सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, जो वो कितना भी तुम ये करो, अडानी और अंबानी सरकार चला रहा है, समझे। तो ये मत सोचो कि मोदी सरकार के हाथ में, जिस दिन गांधीवादी डंडा हमारे हाथ में कांग्रेस के आ जाएगा, गांधी जी की लाठी, उस दिन सरकार भी ये जाएगी और महंगाई भी कम होगी और कांग्रेस का ही राज आएगा। आप लोग हम ये कोशिश जारी, हम लोग तो 60 साल से राज करे हुए, हम और लड़ेंगे आगे 7 साल का, अगर 10 साल भी लड़ना पड़े, हम लोग कमजोर बैठने वाले नहीं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक जैसे गांधी जी ने लड़े थे, एक लाठी लेके सब कुछ जमा किए थे, वैसा हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और सोनिया गांधी के नेतृत्व में और असलम शेख जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े। देखो लड़ने वाले की कभी हार नहीं होती है, सच्चाई की कभी भी जीत होती है। अगर सभी लोग घर में बैठ जाएंगे, अरे जाने दो कुछ नहीं होएगा, तो कभी कुछ नहीं होएगा, ये लोगों पे इतना कर्जा हो जाएगा और बाहर वाली देश की कंपनी कब्जा कर लेगी और पैसा वसूल करेगी, टैक्स आदमी के ऊपर से टैक्स वसूल करेगी बाहर की गवर्नमेंट आके, तो वो दिन नहीं आवे, इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। आज महिलाओं का क्या दुख है, 350-400 का बाटला था तो समुद्र ईरानी रोड पे निकलती थी, चूड़िया लेके निकलती थी सोनिया गांधी के इनके लिए, आज 900 रुपए कहाँ है सोनिया, आप देखिए समुद्र ईरानी कहाँ है, आप पूछो कहाँ, मीडिया वाले क्यों नहीं बताते, बड़ी बड़ी मीडिया वाले, छोटी मोटी मीडिया बताती है क्यों, सब बिका हुआ है, वो जो देंगे वही बताएगा मोदी, अडानी बोलेगा मत बताओ, क्यों बता रहे हो, गैस वाला बोलेगा मत बताओ, नहीं बता रहे, ऐसा जनता के लिए तकलीफ उठा रही है, इतने ज्यादा हाई हो गए हैं और तकलीफें हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से सारी चीजें महंगी हो गई हैं। आज आम आदमी को जीना मुश्किल हो गया है इस महामारी में, एक तो काम धंधा नहीं, लॉकडाउन चल रहा है और इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, कहाँ से आदमी सर्वाइव करेगा, कहाँ से लॉकडाउन में वो अपने खर्चे के लिए जमा पूंजी जमा करेगा, और उससे महिलाओं को बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि गैस के भी इतने रेट हाई हो गए हैं, खाने पीने का सामान है, पूरा बजट डामाडोल है, खाने पीने के सामान से दवाइयाँ, लेकिन हर चीज़ महंगी हो गई है। जब कांग्रेस सरकार थी सब चीज़ अच्छी थी, सुविधाएँ थी, सारा सामान्य जीवन चल रहा था, अब जीना मुश्किल बहुत ज़्यादा हो गया है, हद से बदतर होता चला जा रहा है। दर्शकों ये बताइए, जो इंडिया में पेट्रोल का बेसिक रेट क्या है और केंद्र सरकार कितना टैक्स दे रही है, इतने ज्यादा हाई रेट हो रही है, इसमें टैक्स वगैरह सब इतना ज्यादा बढ़ा के ले रही है, ये आज रेट पे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और ये आदमी को आज के दिन बहुत मुश्किल है।